अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल यूसुफ, इंग्लिश लेक्चरर, हेरिटेज कॉलेज उकारा। तो आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या है। ये 100 नंबर का पेपर है, कुल मार्क्स टोटल मार्क्स इसके 100 हैं। इसमें दो पोर्शन हैं, एक है सब्जेक्टिव टाइप जो कि 80 मार्क्स पे मुश्तमिल है, और एक है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो 20 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो आज हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी जाती हैं सिलेबस में। तो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज है जो बुक वन है। आपको दो बुक्स पढ़ना होंगी, एक बुक वन और एक बुक थ्री। बुक वन में शॉर्ट स्टोरीज आप डिस्कस करेंगे जो कि 15 शॉर्ट स्टोरीज पर मुश्तमिल है, और इसमें क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। क्वेश्चन आंसर जो फर्स्ट पोर्शन आता है पेपर में, उसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमने 6 सवाल करने होते हैं, और एक सवाल का जवाब का नंबर 2 है। तो 6 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो 12 मार्क्स का ये पोर्शन है। उसके बाद सेकंड जो बुक थ्री में आप डिस्कस करेंगे, आप पढ़ेंगे और पेपर अटेम्प्ट करेंगे, उसमें 1 एक्ट प्लेज है। ये 3 प्लेज आपने पढ़ने हैं और इसमें से क्वेश्चन आंसर जस्ट आते हैं। क्वेश्चन आंसर इसमें 8 आएंगे जिसमें से आपने 5 करने हैं, तो एक सवाल 2 नंबर पर मुश्तमिल है। तो 5 सवाल जब आप करेंगे तो ये भी 10 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद बुक थ्री में से ही जो सेकंड पोर्शन आप पढ़ेंगे वो है पोएम, और ये 20 पोइम्स पर मुश्तमिल है। इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं और इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, और इसमें सवाल 6 आते हैं जिसमें से हमने 4 सॉल्व करने होते हैं, और एक सवाल 2 नंबर पर मुश्तमिल है। तो 4 × 2 मतलब 8 नंबर का ये पोर्शन है। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, और जब आप 3 हिस्सों में इसे डिवाइड करते हैं तो ये 30 मार्क्स के बनते हैं। ये पोर्शन 30 मार्क्स का बनता है, और इसको अटेम्प्ट करने के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है, सेक्शन स्टार्ट होता है, वो सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आप लेटर और एप्लीकेशन, इनमें ऑप्शन होता है, चाहे आप लेटर कर लें या आप एप्लीकेशन कर लें, इट्स अप टू यू। तो इसमें ऑप्शन होता है, दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं। ये बी पेपर में इंक्लूड होता है, तो एक आपने करना है। ये 10 मार्क्स की होती है, तो 10 नंबर का ये भी आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो है मॉरल स्टोरीज, ये भी पेपर बी में काउंट किया जाता है, और ये 2 मॉरल्स आते हैं। इसमें स्टोरी के नेम नहीं आते हैं, मॉरल्स दिए जाते हैं, उन मॉरल्स को आइडेंटिफाई करते हुए हम स्टोरी पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट मॉरल। और ये 2 मॉरल्स आते हैं जिसमें से हमने एक स्टोरी अटेम्प्ट करनी होती है, और इसके टोटल मार्क्स भी 10 हैं। और इसी तरह नेक्स्ट जो बी पेपर में पोर्शन आता है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स। तो पेयर ऑफ वर्ड्स से मुराद, जैसा कि आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, पेयर से मुराद है 2, मतलब कपल ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का जोड़ा। तो इसमें 2 अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ें सेम होती हैं लेकिन इनके मायने डिफरेंट होते हैं। जैसे एडवाइस, एडवाइज, एडवाइस वर्ब है, एडवाइस नाउन है। इसी तरह ऑल्टर, ऑल्टर, तो इनके साउंड्स सेम हैं लेकिन इनके मीनिंग में डिफरेंस है। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स, ये 8 आएंगे पेपर में जिसमें से आप 5 करेंगे, तो 2 अटेम्प्ट करेंगे तो नंबर 1 मिलेगा आपको, यानी ये 5 नंबर का ये आपका पोर्शन है, और ये पोर्शन भी पेपर बी में इंक्लूड होता है। तो आपने देखा कि पेपर बी में लेटर और एप्लीकेशन 1, मॉरल स्टोरी 2, और पेयर ऑफ वर्ड्स 3। ये 3 पोर्शंस जो है ये पेपर बी में इंक्लूड होते हैं। और नेक्स्ट जो आप करेंगे बुक थ्री में से, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट्स जो 20 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है बुक थ्री, इसमें से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, यानी वो लाइंस देते हैं टेक्स्ट के, पेपर के अंदर लाइंस आती हैं टेक्स्ट में से, पोइम में से, जिसमें से उनका रेफरेंस देना होता है कि वो किस पोइम, उस पोइम को किस राइटर ने लिखा है, उसका पोइट कौन है, और फिर उसको
उस पोइम लाइनें किस पोइम से ली गई हैं ये लिखना होता है, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, यानी उस पूरे मफहूम पोइम का मफहूम बयान किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, और आखिर में फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है जो 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल होती है। तो ये एक ही आएगी और 5 नंबर की होगी। नेक्स्ट पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन बुक के अंदर से होती है, जिसमें पंक्चुएशन कहते हैं जब हम फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करना है, कॉमा कहाँ लगाना है, कॉलन कहाँ लगाना है, सेमी कॉलन कहाँ लगाना है, तो ये चीज़ें 5 नंबर की आती हैं और ये भी पेपर बी में इंक्लूड की जाती है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक से लिया जाता है हिसाब। टेक्स्ट बुक के आखिर में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं उससे अगला जो पोर्शन या क्वेश्चन आता है बुक के अंदर से वो पंक्चुएशन होता है, तो वहाँ से हम पंक्चुएशन पढ़ते हैं और ये एक ही आनी है और ये भी 5 मार्क्स की है। और सब्जेक्टिव पेपर में जो आखिरी क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ट्रांसलेशन। जैसा कि आप 9 और 10 क्लास में मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, जैसे 9th में 3 पैराग्राफ्स आते हैं, उनमें से 2 करने होते हैं यानी 4-4 नंबर के, और इसी तरह मैट्रिक में सिर्फ 1 आता है, 8 नंबर का करना होता है ट्रांसलेशन, यानी इंग्लिश से उर्दू करते हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर में जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि बुक 1 से ली जाती है, शॉर्ट स्टोरी में से ट्रांसलेशन ली जाती है, उसके 15 शॉर्ट स्टोरीज में से एक पैराग्राफ लिया जाता है, उस पैराग्राफ को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता है, ये एक ही होता है और इसमें 15 नंबर पर यह मुश्तमिल होता है। और इस तरह आपने देखा कि जो सब्जेक्टिव पेपर है ये टोटल 80 मार्क्स पर मुश्तमिल है। और आखिरी जो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है वो 20 मार्क्स का होता है, और उसमें जो फर्स्ट 10 आते हैं वो सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स हम कहते हैं कि वो अल्फाज जिनका मुतरादिफ मीनिंग भी वही हो, जैसे गो जाना, डिपार्ट जाना, जैसे मूव हरकत करना, टू डू समथिंग, ठीक है ना, इसमें ये चीज़ें, जैसे कम आना, अराइव आना, ये आप देख रहे हैं मतलब एक ही है आना, लेकिन इनके स्पेलिंग्स चेंज हो रहे हैं लेकिन मीनिंग सेम है, यानी मुतरादिफ अल्फाज हैं, तो ये 10 नंबर का होगा पोर्शन। उसके बाद MCQs आएंगे बुक में से। अब बुक में से मुराद ये है कि आपने जो शॉर्ट स्टोरीज, आपने जो वन एक प्लेस, आपने जो पोएम्स पढ़ी होंगी, उस पोएम्स में से राइट जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन करेगा, और उस क्वेश्चन में से वो 5 MCQs पूछेगा। एक MCQs में 4 MCQs, एक स्टेटमेंट में 4 MCQs होते हैं, तो 5 नंबर का ये पोर्शन होगा, तो मतलब 15 नंबर हो गए। और करेक्ट यूज ऑफ वर्ब लास्ट ऑप्शन है, जैसे आप 9th क्लास और 10th क्लास में करते आए हैं, कि 9th क्लास में भी हम नाउन प्रोनाउन वगैरह डिस्कस करते हैं, हम टेंसेस डिस्कस करते हैं, हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 by 1 डिस्कस करते हैं, हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं, मैट्रिक में भी हम यही चीज़ें पढ़ते हैं, तो सेम चीज़ें यानी करेक्ट यूज ऑफ वर्ब हम इसमें भी पढ़ेंगे, और ये है 5 मार्क्स का। तो आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है ये 20 मार्क्स का है, तो टोटल इस तरह आपका जो पेपर पैटर्न फर्स्ट ईयर का है वो 100 मार्क्स आपके पूरे होते हैं। हमने 1 by 1 इसको डिस्कस करना है। हम हफ्ते में एक दफ़ा ऑन सैटरडे कर लें, ऑन फ्राइडे कर लें, ऑन मंडे कर लें, आप लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से किसी एक का टेस्ट दिया करेंगे, और बाकी डेज हम बुक शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ेंगे। 3-4 शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने के बाद हम फिर 1-1 प्लेस पढ़ लेंगे, और 1-1 प्लेस 2 पढ़ने के बाद हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, और इस तरह हम बारी बारी अपने इस पोर्शन को कंप्लीट करते चले जाएंगे। और पेयर ऑफ वर्ड्स हम डेली पढ़ेंगे और रोज़ के 5 पढ़ेंगे, और ये रोज़ के 5 पढ़ें, एटलीस्ट आपको 120 पेयर ऑफ वर्ड्स करने होंगे पूरे साल।